नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AY5 ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान जीके की आपकी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज हम लेके आ चुके हैं, जो राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जो आपके राजस्थान के CET एग्जाम, आपका रीट, LDC पुलिस या फिर वनपाल आपका, या फिर PSA या फिर ऑल अदर जो एग्जाम है, आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो आपके रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका पहला प्रश्न है आपका, इसमें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हुए आए हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1994 को, 1 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1994 या फिर 24 अप्रैल 1995 को। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम यह आपका 1994, 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायत राज व्यवस्था शुरू की गई? किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राज मेहता समिति, सादिक अली समिति, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो अब पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था, यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? राजस्थान में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई, 18 मई, 24 मई या फिर 28 मई। राजस्थान में 1857 का विद्रोह है, वह आपका 28 मई को शुरू हुआ था। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस रियासत से है? सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस रियासत से है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। तो यह जैसलमेर रियासत से है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, भरतपुर, दौसा, चूरू। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह बूंदी में है, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बूंदी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय, तख्त सिंह, स्वरूप सिंह या फिर भीम सिंह। उस समय राम सिंह द्वितीय थे जयपुर के शासक, ई ऑप्शन है जो आपका इसमें सही हो जाएगा, ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? आपके ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है, उस दुर्ग का नाम बताना। जयपुर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, उपरोक्त सभी। तो ढाई साके के लिए जो प्रसिद्ध है वह आपका जैसलमेर दुर्ग है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा, जैसलमेर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, चार बैत राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बैत राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बैत राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? उदयपुर, प्रतापगढ़, टोंक, कोटा। टोंक जिले से, सी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर जो टंगस्टन है वह कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, डेडाना, खितड़ी, फलाना। तो यह आपका डेडाना पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा, सूरतगढ़, कोटा या फिर उदयपुर। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह आपके रावतभाटा का सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? राजस्थान के किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, सी ऑप्शन है बीकानेर, नागौर बेसिन, डी है इनमें से, इन सभी में। तो खनिज तेल जो पाया जाता है वह आपके इन सभी में पाया जाता है, जैसलमेर बेसिन में भी, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में, बीकानेर, नागौर बेसिन में भी, और ये तीनों सही हैं। तो डी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष हुई? राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष की? 24 जून 1978, 24 जुलाई 1978, 24 जून 1979, 24 जुलाई 1979। ये 24 जून 1978 आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन है जो आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती दोहरारी किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? धरती दोहरारी किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, कन्हैयालाल सेठिया, केसरी सिंह बारट, सागरमल गोपा। धरती दोहरारी यह कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना है, तो
ऑप्शन नंबर बी है आपका इसमें सही हो जाएगा, कन्हैया लाल सीठिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? बगरू, सागनेर, खंडेला या फिर माउंट आबू? तो सही जवाब होगा खंडेला, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।